वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम आपको ओरिंडा जॉल आईवी बी या इन्फ्यूजन के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार के कंडीशन और किस प्रकार के पेटों से संबंधित समस्या इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोटोजोआ इन्फेक्शन या फिर सीवियर कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है और इन्फ्यूजन का उपयोग कब तक करना चाहिए उसके बाद टेबलेट का यूज कब करना चाहिए तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे और बताएंगे इसका साइड इफेक्ट क्या है और आपको पेट से संबंधित इस प्रकार की समस्या है तो आप सावधानी क्या करें किस चीज़ को अपने भोजन में लें किस चीज़ को इग्नोर करें डोज क्या रखें तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें आज आपको हम दो ब्रांड नेम के अलग अलग, अलग दवाई के बारे में बताएंगे पहला तो हो गया औरिंडा ज्वाला और दूसरा आता है ओरिंडा चेम भी इन्फ्यूजन है, ये भी इन्फ्यूज़न है यानी ये भी फ्लूड्स ही है तो दोनों में कौन सा बेस्ट रहेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे तो हम सबसे पहले बता दें कि इसकी प्राइस आपको अठहत्तर रुपया में सो मेल का ड्रॉप्स अच्छी कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा तो इसका नॉर्मल रूप से कोई साइड इफेक्ट नहीं है अब हम इसकी यूज की बात करते हैं तो पेट में विभिन्न प्रकार के समस्याओं में इसका यूज करते हैं सबसे पहले हम बात कर लें तो इसका यूज यदि आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन इंटरनल ऑर्गेन में हो आपको एस्टोमक हो गया इंटेस्टाइन हो गया छोटी ऑँत हो गया बड़ी ऑँत हो गया या फिर किडनी से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या फिर प्रोटोजोआ के कारण कई बीमारी हो गया जैसे कि पेटों से संबंधित बीमारी यानी आपके पेट में दर्द होने लगे और वह दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगे और वह असहनीय रूप से सीवियर कंडीशन में हो जाए यानी आपके पेट में बैक्टीरियल या फिर प्रोटोजॉ के कारण कोई इन्फेक्शन हो गया है या आपके स्टोमैक छोटी ऑँत बड़ी ऑँत से संबंधित हो सकता है या फिर आपके पेट के किसी भी पार्ट में हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी ज़्यादा बढ़ गया है तो आपके पेट के किसी भी पार्ट्स में घाव हो गया है जिसके कारण आपके पेट में दर्द हो सकता है तो इन प्रकार के कंडीशन में डॉक्टर इसका यूज करते हैं अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ा रहता है तो आपको पाँच छः सात आठ इन्फ्यूज़न या फ्लूड्स चढ़ाए जाते हैं उसके बाद इसका इंजेक्शन देते हैं फिर इसका टेबलेट का यूज़ करते हैं नंबर दो की बात करें तो पोस्ट ऐपरेटि घाव यानी आपके शरीर के किसी भी पार्ट्स में ऑपरेशन हुआ है उसके बाद सर्जरी वाले जगह पर इन्फेक्शन हो गया यानी सर्जरी ठीक रूप से नहीं हुआ या फिर सर्जरी के बाद कोई कारण से आपको वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण आपका घाव ठीक नहीं हो रहा है पेट के इंटरनल ऑर्गेन का तो उस कंडीशन में भी आपको ओरिनीडाजॉल इन्फ्यूज़न चढ़ाया जा सकता है अब हम बात करते हैं कि कब तक इसको लेना चाहिए तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और आपके बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक आपको इन्फ्यूजन देना है या फ्लूट्स देना है या फिर इंजेक्शन लगाना या फिर उसके बाद टेबलेट देना है इसमें हम आपको दो ब्रांड नेम की जानकारी दिए है एक तो औरडा नाम से आता है और दूसरा औरडा चेम नाम से आता है दोनों ही बेस्ट है लेकिन दोनों में सबसे बेस्ट की बात करेंगे तो यही है औरडा यह आप पाँच सौ एम के जगह आपको वन ग्राम भी हो सकता है बीमारी बढ़ने के कंडीशन में क्योंकि इसे फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है तो इसका नॉर्मल रूप से कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है अब हम बात करते हैं कि इसमें साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है तो आपके पेट में लहर या जलन जैसा महसूस हो सकता है मन में घबराहट जैसी हो सकती है अब हम सावधानी की बात कर लेते हैं कि आपको इस प्रकार की समस्या तो क्या अपना खाना में लें तो आप सबसे पहले तेल मसाला का यूज़ न के बराबर करें कम से कम पंद्रह से बीस दिन तक या फिर नॉर्मल डाइट में आप एक सप्ताह तक रहें जैसे आप खिचड़ी लें दलिया लें या फिर नॉर्मल डाइट लें या फिर थोड़ा थोड़ा खाएं, एक रोटी से ज़्यादा एक टाइम में नहीं खाएं तो यह इन्फेक्शन जल्द ही घट जाता है जल्द ही इस बीमारी से आपको आराम मिलता है अब हम इसकी डोज की बात कर लें तो डोज आप डॉक्टर के कंडीशन के अनुसार इसमें घटा एवं बढ़ा सकते हैं यदि आपको पहले से किडनी से संबंधित समस्या है या डायबिटीज पेशेंट हैं या फिर अन्य कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर को जरूर बोलें नहीं तो आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ सकता है वीडियो में दी गई जानकारी कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें और इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ जय हिंद